गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस खाना पीना तो पैक है, अब निकलते बस काम की ओर। चावल बनाए थे, रात की सब्जी रखी थी वही पैक कर लिए, निकलते हैं बस। तो टाइम हो गया 12:30 नहीं पी मेरे को, सब कुछ पैक है, निकलना है बस। डिवाइस डाल दिया यार बैग के अंदर, गंदा हो गया। संडे को धोना है इसको, संडे का एक एक्स्ट्रा में लग जाती है ना, इसलिए बुला लेते हैं सब, तो जाना पड़ जाता है, फिर निकलते। तो गाइस निकल के काम की ओर, फटाफट पहुँचे ना हो गई, चाचा भी कर ही रहा होगा इंतजार, क्योंकि 12:30 हो गए यहीं। और गुरु क्या हाल। तो फाइनली गाइस पहुँच गया मैं अभी नांगलोई, चाचा भी कर रहा है इंतजार, धूप बढ़िया हो गई आज, पहुंच गया चाचा भी, पहुंचे फिर निकले राजधानी जल्दी से। तो गाइस पिकअप करने आए थे, पहली तो डन करती, और दूसरी पिकअप पे आया था साईं विला, दो काउंटर मात्र 3 पैकेट दिए, और पहली उठाई थी उसमें थे 66 पैकेट 3 अकाउंट में। बाकी 1 बजे रूट स्टार्ट किया है, वही 6 बजे से पहले ख़त्म कर दूंगा, इतना तो दम रखते ही हैं। बाकी 70 पॉइंट आ रहे हैं आज, बाकी निकलते हैं, गाड़ी में डालो निकलो। गाइस पिकअप कर रहे हैं 159, क्या हुआ हाँ ना चल रहे क्या। अरे बोला तो था यार उससे, कह रहा चल करवाता हूँ यार, बाकी बोल दिया यार, वहाँ के बंदे लेके नहीं आते, हमारी गलती है। टोक दिया तो यार, टोक तो जमी तो लाएगा, वैसे भूल जाता है, तुम भी भूल जाते हैं, टोक दोगे तो यार। चलो कोई नहीं, पिकअप गाइस तो 159 वाली पिकअप डन, अब जा रहे थे समीरा डेको, इनको भी डन करे, 6 बजे तक हो जाना चाहिए वैसे आज काम ख़त्म, ज़्यादा लोड तो है नहीं है, 1-2 बंदे का ही है जो लोड होता है, वो डेली देते ही हैं सारे, अब ऑर्डर आएंगे तो देंगे, ये तो आएंगे कि नहीं देंगे, बंदों का काम कैसे चलेगा नहीं देंगे तो। बाकी समीरा डन करके उसके बाद जाते हैं डेकी और फिर लोपर। तो गाइस समीरा और डेकी और दोनों डन, अब जा रहे हैं लोपर, लोपर भी डन करें फिर निकलते हैं अपना रिलैक्सो। अब डन ऊपर नीचे दोनों की आ रही है, पहले ऊपर जाऊँ उठाने फिर नीचे, क्या नीचे वालों के रेडी नहीं होते ना पैकेट, इसलिए पहले ऊपर वाले की पिकअप डन करता हूँ फिर उठाता हूँ नीचे वाले। नीचे वाले के आ रहे 3 अकाउंट, ऊपर वाले के आ रहे 2 अकाउंट, टोटल 5 अकाउंट है। लोपर के भी 2 अकाउंट आ रहे हैं, एक लोपर नाम से है टोक के वर्ग, उनको भी डन करूँ, तो फिर जाना पल्ली साइड, पल्ली साइड मिलेंगे फिर आधे घंटे बाद। गाइस लोपर आए थे पिकअप करना, इनके भी आ रहे 20 पैकेट आ रहे हैं, 30 और 21 22 पैकेट, 2 अकाउंट में 22 पैकेट, डन करें फिर निकलते हैं रिलैक्सो। रिलैक्सो पे बहुत काम होते हैं, गाइस रिलैक्सो आया था पिकअप करने, नीचे का तो डन कर दिया, बाकी ऊपर की पिकअप डन करें, अभी आया था इन लोगों ने बोल दिया बाद में, ठीक है बाद में आएंगे फिर। गाइस रिलैक्सो ऊपर नीचे दोनों डन, अब निकलते हैं डायमंड चिल्ड क्राफ्ट और ये अपनी शान भी, 3-4 पिकअप है उधर की, उठा के सीधा गाड़ी खाली, टाइम बच गया 2 हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 1:58, कोई 2 ही ले लो पूरे, बाकी निकलते हैं फिर। तो गाइस पिकअप करने आए थे झूले वाले, उनके पैकेट आ रहे 21-22, पिकअप डन करें फिर निकलते हैं सांगली की ओर। सांगली आन दो आन दो बस, बाकी सांगली वाले के भी आ रहे हैं,
पिकअप डन करे पहले गाइस। गाइस 3 बजे से पहले वाला सारा काम खत्म, टाइम हो गया तुम्हारा 2:50। अभी राहुल भाई का फ़ोन भी नहीं आया, ना तो इतने टाइम तक 4 बारी फ़ोन कर देता भाई। पहुँचे 3 बजे से पहले, खाए अपना खाना यार, आज सुबह से खाना भी नहीं खाया था, चाय पिए। तो 11 बजे क्या बनाऊँ, फिर सब्जी थी रात की, चावल थोड़े से बना लिए, भाई भी खा लिया उसी में, बाकी मैं पैक करके लाया हूँ। ऊपर जाऊँ आराम से बैठ के पहले खाना खाऊँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं खाली। तो गाइस बंदर वाली जगह आए थे पिकअप करने, उनके भी आ रहे हैं, 107-108 पैकेट आ रहे हैं, उठाए फिर पीछे जाना है, पीछे की पिकअप डन करनी है। बंदर बैठा देखो पेड़ के पास, ले बैठा मजे ले रहा है, बाल देख रहे हो हवा के मारे सारे बेकार हो जाते, ड्रायर मारने का फ़ायदा ही नहीं कुछ, ऐसा लग रहा नहाके नहीं आया। नहाता हूँ यार डेली, लेकिन बाल ही ऐसे हो जाते तो क्या करें फिर। बाकी करता हूँ फिर पिकअप। तो गाइस ऑफिस गए थे, खाना पीना भी हो गया, गाड़ी भी सही टाइम पे खाली होगी, बंदर वाली पिकअप भी डन कर दी है बिल्कुल अभी करी है, जस्ट मुश्किल से 3 मिनट हो गए हैं। जा रहे हैं पीछे की तरफ, इधर आ रही हैं 2 पिकअप, एक है एसएम स्टार और एक है स्टेप अप करके है, ऊपर जाके नहीं दूसरी मंजिल पे, वो दोनों निपटाएं फिर जाएँ होली सोन, फिर आगे भी है 3-4 पिकअप। अब ज़्यादा लोड है जी, पिकअप ज़्यादा है, लोड तो खैर इतना है नहीं है, चलते पहले पिकअप डन करें। तो गाइस पिकअप करने आए थे, स्टॉप अप करके बता नहीं रहा था जो आपको मैं, वही देखते हैं पैकेट देते हैं कि नहीं, 5 kg का आ रहा है, बाकी चलते हैं देखते हैं, देते हैं तो ठीक, ना तो जैसे आराम पिकअप आ रही है तो देगा ही साफ सीधी बात है, वैसे कोई कोई सेलर है देते नहीं है यार, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के परेशान हुए थे यार, उधर 2 मंजिल उधर 3 मंजिल है, क्या बताऊँ यार, गोदाम देख रहे हो पूरा खाली पड़ा, शिफ्ट हो गया और कहीं, पहले इधर की कब आती थी एक महादेव नाम से, पिकअप करे पहले, पिकअप दिए देख रहे हो बॉक्स है ये, इसमें बैग के पैकेट है, 1-2 बैग होंगे, वही जाते हैं दूर दूर जाते हैं उत्तराखंड, सारी कंट्री इंडिया में परमिट है, जहाँ मर्जी का ऑर्डर जाएगा तो है ही, बाकी इसको डाले गाड़ी में, फिर इसके बगल वाली है एसएम स्टार वो भी डन करें, उसके बाद होली सोल, हालत डाउन है यार, चाचा खाना खा रहे थे इसलिए 10 मिनट रुक गए, मैंने कहा चलो यार खाना खा लेने दो, क्या डिस्टर्ब करो बंदे को, नहीं फिर मैंने बोला ही नहीं, खाना वाना खा लिया, चाचा गया बोतल में पानी भरने, पानी भर के आए तो जानी है डॉलर उठानी है, उसके बाद 464-465 और 59 वाली, फिर कैंपस, फिर डो कोब और फिर एप्पल विंस, लास्ट काम ख़त्म, फिर सीधा अपने घर घर, टाइम लग जाएगा इसी में 6 बज जाएंगे। करने जा रहा था डूलर, अब सीढ़ियाँ चढ़ने का टाइम है, सीढ़ियाँ चढ़ते रहो, बुरा हाल हो जाता मेरा तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के डेली, 1 साल कर लिया ना, 70 kg वेट है मेरा, वो रह जाएगा मात्र 40 kg, सारा निचोड़ लेंगे भाई ये लोग, देख रहे हो क्या व्यू आ रहा है, 1 मिनट देखो, अब चेक करो पूरी दुनिया दिख रही है, तो गाइस को आया था पिकअप करने, यहाँ के पैकेट आ रहे हैं 8, क्योंकि जो सचिन भाई का उठाता था
वो आ रही छुट्टी पे। कमल है उस बेचारे पे 100+ पिकअप पहुँच जाते हैं, इसलिए कहता अभिषेक भाई आज आज को अपग्रेड कर ले। पर ठीक है भाई, एक एक दिन की बात होती है, कर लेना चाहिए यार। बाकी तो वैसे ठीक ही है, कोऑपरेट करके चलना चाहिए भाई सबके साथ, ना बात बनती नहीं है। लेकिन आज सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मैं मर गया, थक गया बहुत आज। तो गाइस कैंपस डन, हम निकल गए लास्ट पिकअप एम्पल विंग्स। वो दे पैकेट तो 5:30 बजे तक फ्री, ना तो यार टाइम बर्बाद करते हैं, ज़्यादा पैकेट आ नहीं रहे उनके वैसे। ओके एम्पल है, एम्पल विंग्स 7 पॉइंट है, खाली उन्हीं के ही है। बाकी डन करें फिर निकलते हैं घर। नहीं हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा ले लेगा और क्या, 6 बजे तक तो फ्री कर ही देगा। हाँ 6 बजे वही तो। बाकी यार गले में कुछ आराम ही नहीं मिल रहा, सारे पाते आए थे लास्ट पिकअप पे, सारे पिकअप निकाल कर लास्ट पिकअप सरारा सरारा। हाँ इसके देखे कितने पैकेट आ रहे हैं, ये टाइम से दे देना तो 5:30 तक अपना घर देते तो नहीं टाइम से, यही दोबार है इनका टाइम टेबल ठीक करवाना पड़ेगा, ना तो दिक्कत हो जाती है। कोई आ गया? चाचा ले रहे हैं गाड़ी पर, पिकअप डन पड़ी है, ये भी रखते रखा इसमें माल रखा, इसके बगल में एक और रखा वो भी डन, बाकी पैकेट डालने और उस गाड़ी में सेट करके लगा देंगे। बाकी काम तो नक्की हो ही गया, बाकी 10 से 15 मिनट में गाड़ी निकाल देते हैं सीधे और घर पहुँचे, निकलते हैं 2-4 मिनट बाद। राइस काम वाम ख़त्म, अब निकल के घर की ओर, 2-4 मिनट में पहुँचूँगा अभी अपने पॉइंट पे, फिर निकले घर की ओर। अभी उतर गया अपने पॉइंट पे, चाचा निकल गया सही टाइम पे, 7 या 7:30 बजे तक पहुंच जाएगा अपना खाली वाली करा के, सही टाइम पे घर पहुंच जाएगा। मैं भी अपना 6 बजे तक घर, बताओ 1 बजे काम चालू किया था तो 6 बजे तक अपना घर, तो पकड़े रिक्शा विक्सा पहुंचे फिर घर। फाइनली गाइस पहुंच गए गली के पीछे, मात्र 2 मिनट में अपना घर, सही टाइम पे पहुंच गया, लेकिन मात्र 6:02 हो गए होंगे। गाइस घर जस्ट अभी भी आया था, भाई ताला लगा के चला गया लेकिन फ़ोन भी नहीं उठा रहा, ये बताए तो सही किसको चाबी दे के गया, तो पड़ोस में आंटी थी उनसे पूछा, कहती हाँ मेरे को दिखे गया, तो फ़ोन कर रहा बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, ना बता के जा रहा है, बता के तो जा यार गुरु। जूते पहके इधर भागे क्या, साइड में रखने कल फिर पहन के जाने हैं। डिवाइस लगाऊँ पहले चार्जिंग पे फिर मिलते हैं, अंधेरा हो रखा है देखिए, सारी लाइटें वाइटें फुल बंद करके जाता है, ठीक है ना। अभी अभी जस्ट चाय बना के लाया था, अब इसको पीऊँ आराम से बैठ के, कौन निकल रहा देख रहे हो, अभी भी हो गए 2 मिनट बनाए हुए,
पर लेके आया हूँ छान के और पीने बैठा था। बाकी आलू रख दिए हैं, सीटी लग रही होगी, आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आ रही है ना सीटी लगी ना, दो सीटी लगे फिर बंद करूँ। आलू वाले थे, उनका कचालू बनाऊँगा बढ़िया से, आलू की सब्ज़ी नहीं होती वैसी कचालू वाली, मम्मी बनाती है बड़ी मस्त, मैं भी ट्राई कर रहा था काश बन जाए वैसी, बने तो ठीक है, नहीं तो वो भी तो खानी पड़ेंगी, ये थोड़ी ना उनको फेंकेंगे। तो बने फिर पापा को, पापा का फ़ोन भी आने वाला है, पापा को लेने भी जाना अभी नांगलोई, उसके बाद आके दाल बनानी है, फिर चावल बनाने हैं, फिर रोटी बनानी है। आज अब आती है मम्मी की याद यार बहुत, पहले भी आती थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही आ रही है। बुरा हाल है लेकिन यार, काम कर करके कर कर काम से आओ फिर खाना बनाओ, आराम तो आई नहीं है बिल्कुल। चलो गाइस फिर चाय वाय पिए फिर मिलते हैं। तो गाइस खाना पीना सब कुछ नक्की हो गया, खाना भी खा चुके हैं और टाइम हो गया देख लो, अरे यार 11:17 हो गए। अभी भी भाई आया था, मैंने आज बनाया था, दाल बनाई थी, आलू के पराठे बनाए थे, बस चावल बनाए थे थोड़े से, मैं तो चावल खाए नहीं, आलू के पराठे खाए वो भी 5 मानते हो, फुलके अड़े बने थे। बाकी ब्लॉग को करते हैं एंड, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ टेक केयर, जय बाबा की।